जय हिंद सभी साथियों को, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूँ आप अपने चैनल बी.एस.सी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स लेकर आया हूँ जिसका नाम है अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। इस ये पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मतलब जनवरी में एग्जाम होने वाला है पाठ्यक्रम का अदर यूनिवर्सिटी का, बिहार को छोड़ के, क्योंकि बिहार में तो हो चुका है। इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2015 में, 18 में, 17 में और इसका और पीछे जो पूछे गए हैं इसी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसे मात्र मैं आपको 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा मतलब देने पर एक टाइम में आपको से हो नहीं पाएगा। आज मैं 6 क्वेश्चन दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि मुझे अदर यूनिवर्सिटी का सिलेबस पता नहीं है कि क्या क्या इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आपके लिए मतलब दूंगा इसी में से आपको आपको पता कर लेना है कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो हमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पॉइजन थ्योरम जो है ना, इसमें दोनों में आपको रिले थ्योरम को पूछ देते हैं एक बार निकालने के लिए। तो आपको क्या करना है कि एक थ्योरम को पॉइजन थ्योरम को भी देख लेना है, इसको थ्योरम दोनों को देख लेना है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में आया था बिहार यूनिवर्सिटी में इस बार ये पॉइजन थ्योरम आया था, इसलिए आपके एग्जाम में भी आ सकता है अदर यूनिवर्सिटी में पॉइजन थ्योरम। तो आपको इस दोनों को देख लेना अच्छे तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है लिखना, ठीक है, और आपको ये सब समझ लेना है अपने से, क्योंकि इस आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और आप जो मतलब कमेंट करना, आप सभी जो भी आपको नोट्स चाहिए मैं आपको आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये सब आपको लिख लेने हैं और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो अभी बता रहा हूँ ये भी सब मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अगला क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, इसमें इक्वेशन फाइंड करना है। पॉइंट थ्योरम का सिर्फ दिखाएं, इसका पॉइंट थ्योरम अगर पूछे सिर्फ लिखने के लिए तो आपको स्टेटमेंट को लिख देना है और इसके बाद आपको प्रूफ की ओर चलना है आगे, ये सब आपको लिख लेना है। ये आपको यहाँ तक हो जाएगा पॉइंट थ्योरम। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये पोटेंशियल वाला ही पूछा था, एक्सटर्नल वाला इंटरनल पॉइंट ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं इसको भी ऐड कर दिया हूँ ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए। ये सब आपको फिगर ड्रॉ कर लेने हैं, आपको ये सब निकालना है। इसमें दो केस से होंगे, दो केस तीन केस आते हैं इसमें, तो यहाँ दो केस में इसका ख़त्म हो चुका है। एक पोटेंशियल यूनिफॉर्म वाला आता है सेल वाला, ये भी आपको देख लेना है, एक्सटर्नल पॉइंट वाला, यह भी आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोटेंशियल में ना मैंने 3-4 क्वेश्चन सेट किए कि अगर कोई भी आए तो इसी में से आ जाएंगे पोटेंशियल में से, ठीक है। और इसका पार्ट टू भी आएगा, ठीक है, तो पार्ट टू में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आप 6 क्वेश्चन को लाया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इनफॉर्म वाला हर तरीके से मतलब 300 घुमा घुमा कर आपको पूछ सकता है, तो आपको देख लेने हैं, ठीक है। आइए 6 क्वेश्चन थे आपको आपके लिए, इतना आज आप कर लीजिए, कल फिर मैं दूंगा, क्योंकि अगर आज ही ज़्यादा दे दूँ तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप लिख नहीं पाएंगे। अच्छा क्वेश्चंस को आप क्वेश्चंस में मिलाइए जो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें से नोट डाउन कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और कल मैं फिर आपको 10 क्वेश्चंस दूंगा, इसमें से आपको मिला लेने हैं क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट है आपको लिख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स का बचता है, उसका मैं दे दूँगा, ठीक है। इसका जो भी आप कमेंट कीजिएगा और सारे वीडियो मैं आपके एग्जाम के समय तक देते रहूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना आप सबको ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और नोट्स लाने वाला हूँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।